रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के करम फजल से खैरियत से हूँ। आज की रेसिपी है हमारी मटर आलू। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। नाज़रीन देखें, एक प्याली मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई के अंदर और एक टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। अब ये इसको इतना पकाना है कि करकरा हो जाए। जब ये करकरा हो जाएगा तो फिर हम बताएंगे। नाज़रीन देखें, ऑयल और ज़ीरा, ये ज़ीरा डाला था, ज़ीरा गर्म हो गया है। अब हमने जो सब्ज़ी ले रखी थी, मटर, टमाटर, आलू, धनिया, मिर्च, ये सब एक साथ हम शामिल करेंगे इस तरीके से। ऐसा ऐसा डाल देंगे। हमने सब्जी इसके अंदर डाल दी है। इसमें मैंने एक टीस्पून नमक शामिल किया है और 1.5 स्पून मैंने मिर्ची शामिल किया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, 3-4 घंटे चलाएंगे। अब इसमें हम 1/2 गिलास पानी शामिल कर देंगे। अब इससे इसको हम पकने देंगे 8 से 10 मिनट तक। देखेंगे जी नाज़रीन, देखें 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि आलू की क्या कंडीशन है। ये देखें, आलू आराम से कट रहे हैं। ये देखें, इसका मतलब है सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब हम आपको ये देखें, ये अब इसमें धनिया डाल देते हैं। मिर्ची पहले डाल दी थी, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। मन रहीम, माशाल्लाह ये सब्ज़ी तैयार हो गई है मटर आलू की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको सब्ज़ी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।